कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली से निकलकर यूपी पहुंच गई है। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने मशहूर अभिनेता कमल हासन के साथ एक इंटरव्यू किया, जिसमें उन्होंने खादी को बढ़ावा देने की बात कही। उनके इस बयान को आडंबर करार देते हुए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि वह खादी को लेकर सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। मंगलवार को मीडिया कर्मियों के साथ बातचीत में नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी खादी को लेकर आडंबर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जब खादी के लिए आह्वान किया तो आजादी के बाद से जितनी खादी नहीं खरीदी गई उनके आह्वान पर 1,25,000 करोड़ रुपए की खादी देश के अंदर खरीद ली गई है। राहुल बाबा, खादी से इतना ही लगाव था तो विदेशी टी शर्ट पहन कर क्यों यात्रा कर रहे हो, यात्रा खादी पहन कर करते। ये कटाक्ष नहीं है, वास्तविकता है कि खादी को लेकर वो आडंबर कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब खादी के लिए आह्वान किया तो आजादी के बाद से जितनी खादी नहीं खरीदी गई उनके आह्वान पर 1,25,000 करोड़ रुपए की खादी देश के अंदर खरीद ली गई। और राहुल बाबा, अगर खादी से इतना ही लगाव था तो विदेशी टी शर्ट पहन के काहे को यात्रा कर रहे हो, खादी पहन के यात्रा करते। अरे कम से कम आज जब इंटरव्यू दे रहे हो उनको, जो वायरल करवा रहे हो आप प्लान से, उसी में खादी पहन के बैठ जाते तो खादी से लगाव प्रदर्शित कर देते। ये आपकी दुभाषी बातें सब लोग समझते हैं देश।